नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। सुगम्य भारत अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे गुर्जर आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि उन्होंने अपना बयान बदल दिया है, लेकिन इससे राज्य सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री के वो दोनों बयान, लेकिन उससे पहले बात आज किसानों की करेंगे जो 38 सालों से नहर की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से मांग पूरे तरीके से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और प्रशासन से भी सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। लेकिन अब किसान अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं और इसीलिए सबसे पहले बात किसानों के जल संघर्ष की। असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे एटा सिंगरासर के किसानों के साथ प्रशासन ने एक बार फिर से सुलह वार्ता का प्रयास किया और 26 तारीख से प्रस्तावित रेलवे ट्रैक पर कब्जे के ऐलान को वापस लेने की अपील भी की। प्रशासनिक अमले की पहल पर सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन पर आयोजित हुई इस वार्ता में इंदिरा गांधी नहर के अधिकारियों के साथ साथ किसान संघर्ष समिति के संरक्षक पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल और अन्य किसान नेता भी पहुंचे थे, लेकिन इस सुलह वार्ता बेनतीजा ही रही और किसानों ने सिंचाई पानी ना उपलब्ध करवाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह डाली है और एक बार फिर से प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ा दी। चलिए पूरे मामले को इस रिपोर्ट से समझाने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए। सिंगरासर माइनर के लिए इस बार के बजट में राज्य सरकार ने 22 करोड़ रुपए का बजट रखा, तब वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद बंधी थी। यही नहीं, गंगानगर और बीकानेर जिले के सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से मिलकर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट और अन्य अवसरों पर की गई घोषणाओं के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया था। सोचा था कि एटा सिंगरासर माइनर के परीक्षण के लिए समिति के गठन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर और शाखाओं की रीलाइनिंग और सूरतगढ़ अनूपगढ़ सीसी रोड को मंजूरी देने से इस क्षेत्र के बरसों पुरानी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जरा आज की तस्वीरें देखिए, इस महापड़ाव और आंदोलन की तस्वीरें देखिए जहां सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो आंदोलनकारी हैं जो यहाँ 38 सालों से नहर की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से ये मांग जोर पकड़ रही है। अब तो यहाँ सरकार और सिस्टम के साथ आर पार की लड़ाई भी शुरू हो गई है कि जब तक राज्य सरकार नहर निर्माण की घोषणा नहीं करेगी तब तक महापड़ाव जारी रहेगा और इससे पहले आंदोलनकारियों को संयंत्र तक पहुँचने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा भी की गई। कभी लाठीचार्ज, कभी प्लास्टिक की गोलियां बरसाई गई, आसपास कई गांवों में धारा 144 भी लगा दी गई और कई किसान घायल भी हुए। वहीं कई बार किसान नेता से वार्ता भी की गई, लेकिन हर बार विफल रही। वहीं ये किसान पीछे नहीं हटे और धीरे धीरे कई गांव एक साथ हो गए। वहीं मंगलवार 24 मई एक बार फिर किसानों से बातचीत करने श्री गंगानगर पहुंचे आईजी गिरिराज मीना ने कहा कि प्रशासन का भरसक प्रयास है कि किसान नहरों में मौजूदा पानी की स्थिति को समझे और कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर किसानों ने थर्मल स्टेशन के रेलवे लाइन ठप करने की कोशिश की तो पुलिस भी अपना काम करेगी। किसान भाइयों से, जो संघर्ष समिति के जो भी सदस्यगण हैं, उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि कानून किसी भी प्रकार से उनको हाथ में नहीं लें और संयम से काम लें और अपनी मांगे जो डेमोक्रेटिक तरीके से वो जो आंदोलन उन्होंने किया हुआ है, पुलिस प्रशासन पिछले 2.5 महीने से धैर्य रखा हुआ है। कहीं भी हमारा उनसे बदस्तूर डायलॉग भी जारी है, पर वो भ्रांति का शिकार नहीं हो, एक तो एक गलत फहमियों का शिकार नहीं हो और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। कम से कम जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही वो अपने आंदोलन को उसी हिसाब से रखें और किसी भी रूप में आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया जाएगा। मैं पुनः सभी गंगानगर वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक अपना जो भी वो कर रहे हैं आंदोलन उसको शांतिपूर्वक रखें,
कहीं किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए सब पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है और हमारे भरसक प्रयास चल रहे हैं। हम बदस्तूर पुनः सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक अपना जो भी धरने प्रदर्शन वो कर रहे हैं वो करें, कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं करें, वरना मजबूर होकर के पुलिस प्रशासन को भी सख्ती से निपटना होगा। आईजी साहब का कहना है कि किसानों से समझाइश का प्रयास लगातार जारी है ताकि क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनी रहे। दूसरी ओर किसान नेता पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल के अनुसार सिंचाई पानी ना होने का बहाना बनाने वाली राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को भेजे एक प्रपोजल के मुताबिक खुद पानी की उपलब्धता बताई है और नई नहरों को मंजूरी भी मांगी, जबकि अब तक चारों ओर नहरों से घिरे एटा सिंगरासर इलाकों को सिंचाई पानी से वंचित रखा गया है। किसान नेता हेतराम बेनीवाल के मुताबिक सरकार के प्रतिनिधि किसानों को झूठा झांसा देकर आंदोलन खत्म करने के धमकी दे रहे हैं, लेकिन किसान अपने हक का सिंचाई पानी ना मिलने तक आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे और अगर फिर भी सरकार अपना हट नहीं छोड़ती तो थर्मल की बिजली और पानी भी ठप कर दी जाएगी। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम 26 तारीख को इसकी ठप करके चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रोसेस को ठप करके सरकार को सिर्फ चेतावनी देने के लिए हम इकट्ठे होंगे, पर अगर सरकार अड़ेगी और सरकार नहीं मानेगी तो इस क्षेत्र के लोग पूरी तरह से घेर के बैठ जाएंगे परमानेंटली बंद करने के लिए। ये भी हमारी हम राशन बंद कर देंगे आप, कोयला पानी और आदमी हमारे हैं और आदमी आएगा नहीं, लेबर हमारी है। सबसे बड़ी बात यह कि इसकी लेबर भी इसी इलाके की, इसका कोयला पानी जो है यहाँ से आता है, पानी भी यहीं से, तो इसलिए इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, थर्मल बंद का प्रोग्राम नहीं है हमारा, पर हमारा प्रोग्राम ये है कि ये जो पानी है ये नहीं मिलेगा तो हम अपने संघर्ष को इस शांतिपूर्ण तरीके से चला के जो कुछ व्यवस्था ठप हो सकती है उसको ठप करें। वही एटा सिंगरासर माइनर नहर निर्माण की मांग को लेकर किसानों द्वारा 26 मई को रेलवे ट्रैक पर कब्जे की घोषणा को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। प्रशासन ने आज एक बार फिर आंदोलनकारी किसान नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। करीब 2 घंटे ये वार्ता चली भी। प्रशासन ने किसान नेताओं को इंदिरा गांधी नहर के सरप्लस पानी को एटा सिंगरासर क्षेत्र के किसानों को देने की बात कही, लेकिन किसान नेता इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में एटा सिंगरासर नहर क्षेत्र के 53 गाँवों को शामिल किए जाने की मांग पर अड़ गए। फिलहाल प्रशासन किसानों की इस मांग पर विचार कर रहा है। वही आंदोलनकारी नेता 26 मई को प्रस्तावित रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने की तैयारियों में जुट गए हैं। जो सब किसानों का, सब इलाके का ये है, सरकार इसमें बहाने ढूंढ रही है कि फिर करेंगे, पानी उपलब्ध होगा, पानी ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि पानी ढूंढते रहो, सब कुछ करते रहो, हमको पक्का ये आश्वासन हो, पक्की रिटर्न सरकार की तरफ से हो कि इस नहर को, ये जो क्षेत्र है, इस राजस्थान कैनाल के सीसी में इसको शामिल कर लेंगे, ये शामिल होने के बाद नहर बनाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर दशकों से चल रहे इस जल संघर्ष में बार बार सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा या इस बार किसानों संघ सिस्टम की छिड़ने वाली है आर पार की जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। राम प्रताप जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है किसानों के साथ, जो कि आंदोलन की राह पर है। 26 मई को एक बार फिर से आंदोलन करने की बात उन्होंने कही है। आज अधिकारी और किसानों के बीच में वार्ता हुई थी लेकिन वो एक बार फिर से विफल हो गई है। क्या कुछ मामले को आप देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, आगे एक बार फिर से वो किसान जो है आंदोलन पे ना जाए, इसे लेकर क्या कुछ तैयारी है प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये प्रजातंत्र है, इसमें अपने बात को कहने का हर एक को अधिकार है। जी। पानी एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसान चाहता है मुझे पानी उपलब्ध हो। जी। तो उनकी मांग है कि हमें नहर बना के दी जाए, पानी दिया जाए। जी। हम हमारी तरफ से उनको अपनी बात बता रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं, ऐसी कोई वार्ता विफल हुई या ऐसा कोई नहीं है। उनकी मांगे जायज है या नहीं है, आपको क्या लगता है? मांग यहाँ तक तो जायज है कि किसान को पानी मिले। जी।
53 गांवों को शामिल करने की बात कही है, उस बात को देख करके सोचने की बात है जी। उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, वो पानी की उपलब्धता के बारे में सुनिश्चित करेगी। तो क्या आप लोग जब किसान नेता या फिर किसान जब वार्ता में बैठते हैं वो विफल हो जाते हैं हर बार, क्या आश्वासन नहीं दिया जाता? उनका कहना है कि आप लिखित में आश्वासन दीजिए, आखिर क्यों आप आश्वासन नहीं दे रहे हैं उनको? देखिए, झूठे आश्वासन देना मेरी फितरत में नहीं है कम से कम जी जी। किसी को मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मुझे आज मंत्री हूँ, कल मैं सड़क पर होऊंगा जी, तो मुझे अगले से आंख में आंख मिला के बात करनी है। बिल्कुल सही है आपने कहा, शोपत जो है बिल्कुल, मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी को झूठे आश्वासन या मुकालते में नहीं रखा जाए। लेकिन इनकी मांगों की अगर हम बात करें, पिछला अगर इतिहास देखें तो 38 सालों से ये मांग बनी हुई है, जायज आपने भी कही, गंभीर मुद्दा है, एक बार फिर से आंदोलन करेंगे, रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, दूसरे लोगों को खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। राम प्रताप जी हमारे साथ शोपत जुड़े हुए हैं, किसान है वहां से, वो भी आपसे बातचीत करेंगे। शोपत हमारे साथ डॉक्टर राम प्रताप जी जुड़े हुए हैं, जल संसाधन मंत्री है, आप उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं। हमारी मंत्री जी से मुख्य मांग यही है कि राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो 8 मार्च को ऐलान किया था 1,81,000 सीसीए जो बकाया है जी, और केंद्रीय जल बोर्ड से अनुमति के लिए भी राजस्थान सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी है जी। हमारी मुख्य डिमांड ये है, जब आप 1,81,000 सीसीए नया खोल रहे हैं तो ये एटा सिंगरासर माइनर के 54 प्रभावित गांव है, वो मुड का क्षेत्र है जी। हमारी मांग है कि उसको सरकार प्रायोरिटी से इसमें शामिल करे, लेकिन चाहे सरकार ने हमारे साथ बात की है, चाहे आज प्रशासनिक अधिकारियों ने और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी ने बात की है, वो कमेटी हमें इस मामले में संतुष्टि नहीं कर पा रही है कि 1,81,000 जो सीसीए बकाया है वो किस क्षेत्र को अलॉट किया जाए। राम प्रताप जी, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, 1,80,000 या 81,000 की जो मेरे साथी जिक्र कर रहे हैं जी, वो हमने कोई नया सीसीए ओपन अप करने का नहीं कहा है। जब हमारी इंदिरा गांधी नया राइस का जीर्णोद्धार होगा तो उसके बाद में हमारा लाखों एकड़ जमीन है वो वाटर लॉक पड़ी है जी, आज उसमें पानी भरा हुआ है जी। कल को जो नहर है वो सही होगी तो वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उस क्षेत्र को हमें पानी देना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कमांड क्षेत्र है। और इसी तरीके से आगे हमारी जो लिफ्टें हैं जी, उसमें हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पूर होने की वजह से 10-15% है। तो अपने जी बिल्कुल राम प्रताप जी, आप अपने अपने आंकड़ों के साथ यहाँ पर अपनी बिल्कुल आप मेरी बात पूरी सुनिए आप जी, बताइए भाई, वो दो सारा एरिया मिला करके वो लिफ्टों का है, ये वाटर लॉक एरिया है, ये 1,80,000 है, नहीं कि हम नया सीसीए ओपन अप कर रहे हैं जी। नया सीसीए हमने एक इंच भी नहीं तो खोला है, नहीं खोलने का इस 1,80,000 में कोई इरादा है जी। ये फर्क है, आप बिल्कुल आप अपनी बात यहाँ पर आंकड़ों के साथ रख रहे हैं, लेकिन शोपत जी का कहना है कि यहाँ पर संतुष्टि यहाँ पर नहीं दी जा रही है। आप अपनी जगह खुद को सही बताते हैं, यहाँ पर जो किसान है वो अपनी मांगों को सही बताते हैं कि उनकी मांगे यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो 26 मई को एक बार फिर से दूसरे लोगों को, आम लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका जवाब यहाँ पर कोई नहीं देता है। आखिर इस पर जो गंभीर मसला है, इस पर जो वार्ता की जाती है वो हर बार विफल हो जाती है, इसका समाधान को आखिर क्यों कोई नहीं निकालने की कोशिश करता, यही सवाल हम आप सबसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी यहां पर रखने के लिए। यहां पर किसान हमारे साथ जुड़े थे और खुद जल संसाधन मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अपनी अपनी बात को सही साबित करते हुए तोड़ यहां पर नहीं निकाला जा रहा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।